हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से, और जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, इस नोटिफिकेशन में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो डिफरेंट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कितनी हैं, और उन यूनिवर्सिटी में जो है ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उड़ीसा में, तो उन सब में जो है रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इसमें के अंदर क्या क्या डिटेल में दे रखा है। तो देखिए, सबसे बात करें अगर हम लिंक की, तो लिंक जो है वो स्टार्ट हो गया है 15 फरवरी से, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और जो लास्ट डेट है 14 मार्च 2021 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको स्टार्ट डेट है वो 15 फरवरी है, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 14 मार्च है। तो इसे आप जो है क्लियरली देख लीजिए। ठीक है, वहीं इन्होंने मेंशन करा कि 22 मार्च जो है इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपने 15 फरवरी से 14 मार्च के बीच रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और उसके बाद आप जो है फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं 22 मार्च तक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका लास्ट डेट 15 फरवरी टू 14 मार्च 2021 है। उसके बाद अगर आप फॉर्म को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट जो है 22 मार्च यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज यहाँ पे आपको एनेक्जर 1, 2, 3 में देखने को मिलेंगी, तो उसे हम लोग नीचे देखेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें एज की, तो यहाँ पे जो एज मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2021, और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे इन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी। यानी कि जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं प्रोफेसर वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नो लिमिट सुपर एनुएशन एज बिकम्स अ मैक्सिमम एज लिमिट बाय डिफॉल्ट। यानी कि सुपर एनुएशन एज मतलब जो भी 65 ईयर्स जो भी रिटायरमेंट की एज होती है, तो 65 ईयर्स तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सुपर एनुएशन एज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना बर्थ प्रूफ के लिए, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में लिखा होता है, वो उसका प्रूफ जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एज एन एजुकेट लाइक डेट ऑफ बर्थ, सो दैट आपका जो एज है वो यहाँ पे एज अ प्रूफ आप दे पाए। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन अ कंसर्न रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम इंडिया यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका जो है नेट है वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका यूजीसी नेट या सीएसआई नेट है या स्लेट या सेट है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जो पीएचडी है वो 2009 से पहले रजिस्टर की है, तब आपको यहाँ पे नेट स्लेट या सेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने जो है अपना पीएचडी डिग्री जो है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से लिया है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने पीएचडी ऑब्टेन किया है वो टॉप 500 रैंकिंग में आना जरूरी है। और ये जो रैंकिंग है ये रहेगी आपकी क्यूएस रैंकिंग, दा रैंकिंग एंड एआरडब्ल्यूयू रैंकिंग एंड शंघाई रैंकिंग। तो इन चार रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है, तो आपको यहाँ पे कोई भी नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो यहाँ पे देखिए, आप मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो है आपको और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो मेनली है ऑलरेडी जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपका डिस्कस कर ली है अबव, तो आप इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है अगर इंडियन सिटीजन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे जो है मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका एज पर यूजीसी गाइडलाइन। ठीक है, एज पर यूजीसी गाइडलाइन जो है आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है द कमीशन है डिसाइडेड इट 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू व्हेन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज मोर देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 3 वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको 15 लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही जरूरी है। आई थिंक इसमें मे बी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस गाइडेड बाई प्रोविजन लेड डाउन अंडर द, यहाँ पे देखिए इन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि आपके जो है एपीआई इंडेक्स की बेस पे लेंगे, तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। इन्होंने बस ये बोला है यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है एकेडमी स्कोर स्पेस, हाँ, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन करा है एकेडमिक स्कोर की बेस पे जो है आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि एपीआई इंडेक्स की बेस पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
एंड ऑन सेलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, और आपका जो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस होगा तो उसकी बेस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपका डिस्कस कर लिया। अगर आप बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे आपको 400 रुपीज़ जो है वो पे करना है एप्लीकेशन फ़ी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ऑफ उड़ीसा ओनली एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। तो यानी कि आप उड़ीसा के एस सी या एस टी से बिलोंग करते हैं या PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने आपका डिस्कस कर ली है। इसके अलावा और कुछ देखते हैं कि क्या डिस्कशन के लिए और जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेरी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपना हार्ड कॉपी, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी है उसे आपको लेना है, उसके साथ जो आपके जो भी सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल्स हैं वो सारे आपको पर्सनल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो वो आपका रहेगा हाई स्कूल का जो या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का, बैचलर डिग्री का, पीजी डिग्री का, एमफिल या पीएचडी सर्टिफिकेट, या आपने अगर नॉट क्वालिफाई किया तो उसका सर्टिफिकेट, या आपके जो मार्कशीट्स या टेस्टिमोनियल्स वो सारे आपको ओरिजिनल जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके अलावा हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। अप्लाई आपको उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 कॉपीज अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइट का रखना है, और उसमें से जो भी आप अपलोड करें उसका ही आपका कॉपी जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वही जो सेम फोटो है वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा आपको अपना प्रिंट आउट लेना है, उसे आपको सेंड करना, लाइक उसको आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें आपको जो है सिग्नेचर करने हैं एलॉन्ग विद योर कॉपीज ऑफ द रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट एंड एज वेन आस्क्ड। तो इन्होंने बोला है कि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं, उसके साथ आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे अटैच करने हैं, उसका जो है पर्सनल लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको इंटीमेशन लेटर टू द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड अटेस्टेशन फॉर्म शैल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ द OPSC प्रायर टू द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो जिसका भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता है उनको जो है इंटीमेशन लेटर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा OPSC की वेबसाइट पर बिफोर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपका डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग डेट मैंने आपका डिस्कस कर लिया है कि 15 फरवरी 2021 टू 14 मार्च 2021 आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एप्लीकेशन जो है वो आप 15 फरवरी से 22 मार्च 2021 तक जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड सब्जेक्ट और वैकेंसीज की कि किस स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसी है, तो ये भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे जितने सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो भी सब्जेक्ट होते हैं चाहे वो साइंस के हों चाहे आर्ट्स के हों, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल बात करें बायोटेक्नोलॉजी के, तो यहाँ पे डिफरेंट रिजर्व कैटेगरी में कितनी सीटें वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी की बात करें तो यहाँ पे ST के लिए 7 सीटें, SC के लिए 5, SC BC के 1, अनरिजर्व के लिए 16, टोटल 29। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि वुमेंस के लिए जो सीट्स हैं वो सेपरेट हैं। तो अगर हम बात करें ST में तो 7 में 1 जो सीट है वो वुमेंस की है, तो टोटल है 29 सीट्स हैं, उसमें 9 जो सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज आपकी कैटेगरी में हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सारी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेंगी, और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइक फाइल आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको देखने को मिलेगी कि कितनी वैकेंसीज और कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, जैसे उत्कल हो गया, संबलपुर यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, तो ऐसे करके आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगी उड़ीसा में, और उनमें कितनी वैकेंसीज है और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि नहीं है जो कि आपको जानने चाहिए। ऑलरेडी हमने आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एनेक्जर 2 में, जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी में टोटल 48 वैकेंसीज हैं,
ऐसे करके आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कितनी वैकेंसी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, रेवंसा यूनिवर्सिटी, तो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी में जितनी भी उड़ीसा में प्रेजेंट है सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 504 वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो टोटल 504 वैकेंसीज है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में मिला के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो अगर आपको मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।